الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته पारा नंबर सत्ताईस सूरत नजम उर्दू तर्जुमा और तफसीर गुजत इसबाक में आयत नंबर अठारह तक हमने पढ़ लिया आज के सबक में आयत नंबर उन्नीस से आगाज़ कर रहे हैं जिसमें कुफ़ार जिन मूर्ति की इबादत करते थे जिन पत्थरों की जिन बुतों की वो प्रस्तिश करते थे उनको अपने हाथों से तराशते और फिर उनको अपने मबूद होने का दर्जा देते तो उनके यहाँ पर भरपूर तरीके से उनका रद्द किया गया और यहाँ यकीन जब हम देखते हैं तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि काबा में तकरीबन 360 सौ साठ बुत नस्ब किए गए थे ठीक है यानी वो लोग इस कदर मुशरक हो चुके थे कि तोहद ऐसी ख़लत मलत हो गई थी कि असल खुदा बैतुल्ला असल इलाह का तसुर तो जैसे उनके ज़हनों से मिट ही गया था कि बैतुल्ला तमीर करने वाले कौन अल्लाह के पैगंबर थे और उन्होंने तामीर किया अल्ला वाहदाउल शरीक की ज़ात और उसकी सिफात के तकाज़े क्या हैं पैगंबर कौन सी तालीमत लेकर आए थे तो बहरहाल इन तमाम बातों का सम यहाँ पर पेश किया जाएगा मजमूआ कह लिया ठीक है यानी पहले जो आयत नंबर अठारह तक हमने पढ़ा वो खुदा खुदाबंदे जुलजलाल की सिफात और उनके कमाला के बयान के बारे में पढ़ा अब मुश्किन की यहाँ पर वो वजह बयान की जा रही है कि वो अल्लाह के मुकाबले में कैसी हकीर चीज़ों को मबूद होने का दावा करते हैं और उनको अपना सब कुछ जानते हैं और कैसी इनकी बदबखती है ये कि ये अल्लाह के मुकाबले में वो अल्लाह जो कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ नबी होने और कलाम कुरान करीम के कलाम बरक़ होने की कसम फरमा रहा है ठीक है और वो अल्लाह जो कि इस कायनात में ग़ौर फिक्र की दावत दे रहा है वो अल्लाह जो कि कहता है अपनी ज़ात में ग़ौर करो कायनात में इर्द गिर्द देखो वो अल्लाह जो कहता है अगर दो मबूद होते तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता क्या तुम इससे भी अक्ल नहीं रखते वो अल्लाह जो अपना तारुफ़ करवा रहा है वो अहद उसके मुकाबले में तुम किसको लेकर आ रहे हो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयत का तर्जुमा पढ़ते व मनात तो ए लोगो क्या तुमने लात और देखा और एक और तीसरी मनात को लात बेसिकली ये इनके बुतों के नाम थे ठीक है पहले नंबर पे लात की बात कर लेते हैं ये लफज लत से माखूज है ठीक हैलमा किस के इसके बारे में बेशुमार राय हैं ठीक है लेकिन जो अच्छे सोसिस से मुझे इल्म हुआ और मैंने पढ़ा और मैंने सुना वो यही था कि बेसिकली ज़मान जालियत में एक शख्स था और ये मतलब उसका लकब था क्यों इसके मायने लफ्जी मायने क्या हैं सत्तू गोल कर पिलाने वाला ठीक है सत्तू में गुड़ वग़ैरह डालकर उसको मिक्स करने वाला तो ये शख्स एक ड्यूटी देता था अच्छा शख्स था नेक शख्स था और ड्यूटी क्या थी कि जो खुद जाज आते थे मक्का तवाफ़ के लिए ज़िारत के लिए तो उनके लिए वो सत्तू तैयार करता था और ये जिस जगह बैठता था जिस चटान पर बैठता था वो ताइफ के रास्ते में वाकई थी क्योंकि ये भी वहीं पर रहता था ठीक है तो वहाँ पर रहता और वह की खिदमत किया करता जब वो शख्स मर गया ना तो उस वक्त ईवल जिस तरह शैतानी क़वतें एक्टिव हुईं ठीक है और लोगों ने क्या आपस में कहना शुरू कर दिया कि इस तरह तो हम इस शख्स को बुला देंगे ठीक है इस तरह तो हम इस शख्स को ये तो हमारे दरमियान आज था अब ये अब हमारे दरमियान नहीं है तो हमें इसकी याद को ताज़ा रखना है तो क्या किया जाए मशवरा हुआ मशवरे के बाद इस चीज़ पर एग्रीमेंट हुआ कि हाँ भई इसका इसकी मूर्ति बना ली जाए ठीक है और इसको इसका बुत बना के ना नस्ब किया जाए ताकि इसकी याद हमारे दिलों में बाकी रहे वक्त गुजरता गया उसके जहाँ पर मूर्ति तमीर की गई वहाँ पर मुख्तलिफ तरह लोग आते और यूँ ही उनका आना जाना वहाँ पर शुरू हो गया ज्यारत के लिए और यही वो चीज़ थी ये पॉइंट था कि रिश्ते उनके दिल में आया कि यही हमारा सब कुछ है यही हमें देने वाला है ठीक है और यहाँ से वो शिरकिया कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुए और लात की परस्ती शुरू हो गई ठीक है तो इसके बाद उज़ा की बात कर लेते हैं इज़्ज़त से है ठीक है अज़ा की तानीस है मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है बहुत इज़्ज़त वाला अब यहाँ पर बात कर ली जाती है कि इसका मंदिर कहाँ था पहले वाला हमने तइफ के रास्ते में देख लिया ठीक है और दूसरा वाला ये है जो है सौ के आकाश यानी एक बहुत बड़ा मेला मक्का में हर साल सालाना तौर पर हुआ करता था इस मेले जहाँ पर ये मनक्द होता था ना उसके करीब ही वादिय नख़ला थी और वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी और उजा का मंदिर उस जगह पर मौजूद था और बनू ग कबीले के लोग इसकी पूजा किया करते थे ठीक है और बास के नज़दीक कहते हैं कि ये बनी शैबान की देवी थी ठीक है जो बनी हाशिम के हलीफ थे यानी बनी हाशिम कबीले के हलीफ़ कबीला था बनी शईबान और उनकी ये देवी थी जिनकी ये कबीले वाले पूजा पाठ करते थे और रफ्ता रफ्ता कुरैश के दूसरे कबाइल भी इसकी ज़्यारत के लिए आने लगे क़ुरबानी के जानवर यहाँ ला कर ज़िबा करते और नजराने चढ़ाते और तमाम दूसरे बुतों की तरह इसकी भी ज़्यादा इज़्ज़त तकम की जाती मनात इसका मंदिर उदयर के मुक़ाम पर था जो मक्का और मदीना के दरमियान बहरे अहमर के किनारे एक आबादी है ठीक है और यसरब के औस और खज्रच के अलावा बनो ख़ज़ा भी इसके बहुत मतकद थे काबा की तरह इसका भी हज किया जाता था अल्लाह अकबर कबीरा यानी कुर्बानी के जानवर भी इसके लिए ज़िबा किए जाते थे हज काबा से फारिग होने के बाद लोग इसका हज करने जाते थे और हज करने के बाद वहीं से लब्बई के लब्बई के नारे लगाते हुए कोदईर की तरफ चल पड़ते जहाँ पर मनात नामी बुत्ता और उसके गिर तवाफ किया जाता था तो यूँ तो मैंने जैसे अभी जिक्र किया बिल्कुल आगाज़ में कि बेशुमार बुते ठीक है बेशुमार बुते तकरीबन मैंने आपको जिक्र किया तीन सौ साठ तो काबा के अंदर ही मौजूद थे यानी हरम के अंदर मौजूद थे तो उनकी प्रस्तिश होती थी तो इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाएं ठीक है न तो अबू उबैदा से ये मरवी है आप कहते हैं कि ये चूंकि फ़ेमस नाम थे इनकी प्रस्तिस हद की की जाती थी इसका जिक्र तो बहरहाल यहाँ पर कुरान में मौजूद ही है तो आप फरमाते हैं कि इन्हीं नामों के बहुत काबे में भी रखे हुए थे यानी अव्वल तो ताइफ में था ठीक है दूसरा जो है वादी नखला के करीब एक छोटी सी बस्ती थी वहाँ और तीसरा खुदई नामी मुकाम पर था जो कि यकीन अरब के ख़त् के अंदर ही थे लेकिन हज़रत अबू उबैदा कहते हैं कि ये इस नाम के बुद्ध काबे में भी रखे हुए थे और दूसरे बुतों के साथ उनकी वहाँ पर पूजा पाठ का निज़ाम चलता था और उनकी पूजा की जाती थी और अमामा अबून अंदुलसी भी इस बारे में ये वाली राय को तरजीह देते हैं ठीक है यानी अब जो हैं वो हज़रत अबू उबैदा की इस राय को तरजीह इस वजह से देते हैं दलील उनके पास ये है कि वहद के, के मैदान में अबूसफान ने जब हमने कहा था कि उस तरफ से जब जंग जीत जाने के बाद एकदम पलड़ा भारी हो गया कुफार का और उन्होंने दोबारा से हमला किया तो उस वक्त मुसलमानों की काफ़ी शहादतें हुई ठीक है तो उस वक्त की बात है कि अबू अबूसुफियान ने बड़े फ़खर और ना से कहा था कि लना लनाअलव वलाउा लकुम कि हमारे लिए तो अजा देवी है तुम्हारे पास कोई अजा नहीं है तो अल्लाह के नबी और मुसलमानों ने क्या सदा दी थी कि हमारे लिए हमारा रब है वही हमारे लिए काफ़ी है ठीक है तो वो ये एज ए दलील बहरहाल वो पेश करते हैं कि उसने बड़े फ़खर से कहा था कि हमारे पास जो है वो अज्जा है तो मुराद ये कि उस वक्त वो उस नाम की देवी काबा में बैतल्लाह में भी नसब थी तो इन बुतों की पूजा करने वालों का अकीदा ये था कि फ़रिश्ते माज़ल अल्लाह की बेटियाँ हैं और ये बुत जो हैं ये भी उजबिल्ला कह लिया जाए कि वो अल्लाह के बराबर शरीक के तौर पर मबूद के तौर पर उनको मानते थे ठीक है अब उनके बारे में अल्लाह तबारिक व ताली इन आयात में जिक्र कर रहा है अब बात क्लियर हुई है कि यूँ तो बुध बहुत से थे लेकिन उनमें ज़्यादा प्रस्तिश की की जाती थी तो अल्लाह तबारिक व ताली फ़रमाता है अफ़रई तुमल्ला तउुल और तुम तीसरे को भी देखते हो मनात को अला को मुजा करूँ कि तुम अपने लिए यानी अभी पिछली आयत के साथ जुड़ें तो यानी वो फ़ीमेल मोहनस को खुदा की बेटियाँ यानी फरिश्ते मुजक्र हैं ठीक है थीके? और अव्वल तो सिंस और जेंस का तयन करना ये हमारे लिए नहीं है लेकिन कुरान में इनका सीधा मुजक्र यूज़ हुआ है ठीक है जमा मुजक्र के साथ जहाँ पर मलाइका का धिकर आए तो बहरहाल ये कहते थे कि ये औरतें हैं इनका अकीदा यानी मुश्किन में से अक्सर का अकीद ये था ना कि जो जिस तरह औरत छी हुई रहती है उस तरह ये फरिश्ते भी ज़मीन पर मौजूद होते हैं या उनका जो फरिश्तों को लेकर एक एतक़ाद था एक अकीदा था तो उन उस अकीदे के मुताबिक मुशीन ये कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं ठीक है थीके? तो अल्लाह तबारक व ताली फरमाता है हाँ अपने लिए बेटा और उसके लिए बेटी और ये जो देवियाँ हैं ये भी जो उसके बराबर शर्क ठहराई जाती थीं इनमें भी मोनस हैं जब तो ये बहुत गैर मुनफाना तकसीम है ये नियामान समई तुम्हान तुम वाप को मान ज़रूलबियाल्तान ये तो सिर्फ़ चंद राम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख दिए अल्लाह ने इनकी हकानियत पर कोई सनत नहीं उतारी यानी तुम इनको अल्लाह के बराबर ठहराते हो ये तो इनको नाम भी तुमने दिया तराशा भी तुमने इस इनके मतलब अकीदा भी तुमने घड़ा और तुम मंसूब करते हो अल्लाह की तरफ हालाँकि अल्लाह अल्ला ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी इत तबियों न माताफ़ ये तो सिर्फ़ एक गुमान की पैरवी करते हैं और नफ़्स की ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं हालांकि बेशक इनके पास इनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है अल्लाह का पैगंबर इनके दरम्या मौजूद है कलाम तदरीजन इन पर नाजिल हो हो रहा है अल्लाह के नबी पर इन तक पहुँच रहा है और इसके बावजूद ये अपने कुफ़ और कुफ़्र और शर्क से बाज नहीं आते इसके बावजूद बातिल अकायद से ये जान नहीं छुड़ाते इसके बावजूद हक हाँ को कबूल नहीं करते हालांकि हिदायत इनके पास आ चुकी है और फिर ये जो आयत है अम लान माँ तमन्ना क्या इंसान को हर वो चीज़ हासिल है जिसकी उसने तमन्ना की फलीला फिर जिक्र होता है कि तो आख़रत और दुनिया सब का मालिक अल्लाह ही है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वही वाली बात है कि इंसान के अंदर हिस्स का जो जन्म है ना वो इसी वजह से क्रिएट होता है हाँ ख्वाहिश करना बुरा नहीं है किसी चीज़ को हासिल करने की जायज़ चीज़ को और जायज़ तरीकों से हासिल करना भी बुरा नहीं है उनके लिए मेहनत करें हर ज़िंदगी हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये हमारा दीन भी मना नहीं करता कि आप दुनिया को अच्छे तरीके से ना जी अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ नेमत को हासिल करने की अपने आप में अहलीत पैदा करो मेहनत लगन और शौक़ फॉर एग्ज़ाम्पल हर नेमत का ताल्लुक एक पॉइंट से जुड़ा है पैसा और हलाल रिजक यानी ये मेन पॉइंट है ना तो इस कमाई को अगर हम सुथरा रखें तो हम हमारे लिए हर चीज़ फ़ायदा मंद है हम महंगी से महंगी गाड़ी ले लें अल्लाह की नेमत है अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया हम अच्छे से अच्छा घर ख़रीद लें हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया हमें अल्लाह ने नेमत दी क्यों जिस तरह से अल्लाह ने कहा था रिज कमाओ वैसे कमाया तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं हाँ फिर इसराफ से मना किया कि बिला वजह बिला ज़रूरत अब जो इस्तेमाल में है गाड़ी अच्छी ले ली ठीक है ठीक है अब ज़रूरत पड़ गई अपनी औलाद के लिए भी एक अलग से गाड़ी लेनी पड़ गई ठीक है लेकिन फिर वो जो लोग बिला ज़रूरत इसराफ की तरफ चले जाते हैं ना दिखावे में तो दिखावा तो कुर्बानी के जानवर में भी मना है हालांकि ये इस्लामी काम है मज़हब में यानी कि हुक्म दिया गया हमें दीन में किबानी करो तो दिखावा तो इसमें भी मना है तो फिर दुनियावी मामला में तो बहुत दूर की बात जाती है न तो ऑल सम इसके आम अल्लाह ताली क्या फरमा है इंसान के लिए क्या इंसान मत तमन्ना क्या जो ख्वाहिश करे उसको मिल जाता है सुन लो हाँ एक एक पहले तो सवाल उठाया गया मैं इस आयत को कैसे लेती हूँ मैं बस अपने अल्फाज में यह बताना चाह रही हूँ यह आयत मुझे बहुत स्ट्राइक करती है बहुत दफ़ा मैंने इसको पढ़ा है समाइम्स मैं मोबाइल के वॉल पेपर पर इसको लगा लेती हूँ बार बार मुझे रिमाइंडर रहे ठीक है जब हिर्स जहन में पैदा होने लगे ठीक है जब जहन में कहीं लालच आने लगे ना कि ये भी आ जाए ये भी आ जाए ये भी आ जाए इस आयत को ज़हन में ले आइएगा वो ये कि कभी भी अपने आप को अपनी ख्वाहिहिहिशात को अपने लालच में तब्दील होने से बचाइएगा ठीक है तो अल्लाह फरमाता है अपने विजन को अपने मिशन को अपने एम को क्लियर रखो लेकिन जहन में ये रखो तुम तो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हासिल करके क्या यानी हासिल ज़िंदगी इसके सिवा और कुछ भी नहीं है मिला नहीं वो हुआ नहीं ये किया नहीं इस तरह के बहुत अशार मिक्सली मेरे जहन में आ रहे हैं बहरहाल इनका मतलब समरी मेरे सामने यही आती है कि हम कितनी चीज़ों को हार्ड डाल लेंगे और हासिल कर पाएंगे और वो हासिल करके मिलेगा क्या अव्वल तो अपने आप को तमा से लालच से बचाएं ठीक है अपने आप को हिस्स से बचाएं दूसरा यह कि अल्लाह ताला फिर एक तरह से मोटिवेट भी कर रहा है अगर तुम्हारा तुम्हारी ख्वाहिश लालच से पाक है अगर तुम्हारी मेहनत जो है उसमें तुम्हारी नीयत साफ़ नीयत शामिल है और अगर तुम कोई काम कर रहे हो उसमें रज़ा इलाही मकसूद है अगर तुम ये काम कर रहे हो हाँ तुम्हें उसमें दुनिया में भी नफ़ा चाहिए लेकिन रज़ा इलाही को रुए कार लाते हुए तुम्हें उसमें नफ़ा चाहिए ये सारी बातें मौजूद हैं तो अल्लाह फरमाता है आयत के आखिर में कि फ़ली आख़िरत वलोला तो सुन लो अल्लाह ही के लिए है आखिरत भी और पहले भी यानी जो हो चुका जो होने वाला है पहले का भी मालिक अल्लाह था बाद का भी मालिक अल्लाह है जो तुम्हारे पास पहले था वो भी अल्लाह ने दिया था जो अब आएगा वो भी अल्लाह की तरफ से आएगा दुनिया और आख़रत भी इससे मुराद है कि दुनिया की ब्लेसिंगस भी तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है आख़रत की कामयाबी अभी उसी की ऱा पर मुश्तमल है अपने अमाल की बेस पे और अल्लाह की रहमत पे तो कहना यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि दीन इस्लाम में सख्ती नहीं है कि आप जो हैं अगर साहिब इस्तात भी हैं तो फिर आप अपने कपड़ों को अच्छा नहीं रख सकते या अपनी वज़ाकता को नहीं या अच्छी गाड़ी नहीं ले सकते अच्छी सवारी नहीं ले सकते अच्छी सवारी तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ करें जिसका आपका दिल करता है अल्लाह की रज़ा को बुरे कॉड लाते हुए उसकी मासीत तो व नाफरमानी से बचते हुए और अपने दिल अपने तकबा का ख्याल रखते हुए मैं क़्यामत की निशानियाँ पढ़ रही थी आज ही तो उसमें एक जिक्र था कि इंसान का लालच इस कदर बढ़ जाएगा ठीक है कि वो ज़क़ात को भी तवान समझेगा कि जब ज़क़ात निकालने का उसे हुक्म होगा वो उसको भारी भरकम तवान समझेगा और अपने मालों में से ज़क़ात नहीं देंगे तो फिर ये चीज़ ना उस तरफ ले जाती वही ओलुल्ली कुल्ल्यू मदा तिल्लु मदा माल जमादा यः सबु अन्नम लहु अखलदा कल्ला लय वनफिलतम तो कसरत तमाह से अल्लाह ने मना फ़रमाया ठीक है तो कसरत से लालच से अल्ला तबारक मना फरमाया क्योंकि ये हलाकत का बाइस बनती है ठीक है लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दुनियावी नेमतों के उसूल की कोशिश करना दीन की शरीय के दायरे में रहते हुए और आख़रत की कामयाबी के लिए कोशिशें करता रहना ये बहरहाल कुरान का असल मैसेज है ये इस्लाम का असल मैसेज है ठीक है तो इन आयत में जो मैं इन आयत को जिस तरह से लेती हूँ मैंने उस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बाकी मुफसरीन की भी इस पर तरह की राय हैं और आप तफसीर की किताबों को ज़रूर पढ़ा करें और आई मस्ट सजेस्ट के छोटे ग्रेड के बच्चे भी माशाल्लाह अब कुरान की तरफ आ रहे निसाब में शामिल है पाकिस्तान के तो जो बुक में लिखा है जो लेक्चर टीचर ने डिलीवर किया है जो मेरे जैसे किसी ना चीज़ ने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है ज़रूर सुने लेकिन इसके बावजूद आप मुख्तलिफ तबासिर को ज़रूर सर्च किया करें मुख्तलिफ किताबों को पढ़ा करें ठीक है एक पर एक तफ़ाना किया करें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लात उज्जा और मनात की डिटेल बताई इसको आप अपने तौर पर मज़ीद सर्च करें ठीक है इनका पस मंज़र देखें ठीक है और फिर ये देखें कि काबतुल्ला अभी जिस तरह छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होती हैं ना लेक्चर के अंदर के तामीर किया हज़रत इब्राहीमतम ने उनका मैसेज क्या था तो फिर आप उनकी सीरत की तरफ़ चले जाएँ ताबीर तामीर किसके साथ मिल के किया था हज़रत इसमाइल के साथ उनकी तरफ आप चले जाएँ तो एक क़ुरान की आयात में एक आयत में ही ना मुख्तफ़ किस्म के पहलू निकलते हैं तो हर तरह से गौर तदब्बर करने की कोशिश करें आई मस्त से कि इन आयात को जैसे मैंने लिया आखिरी दो आयत को इस रुकू की मैं बयान कर रही हूँ यकीन आपको भी इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा अगर आप अपने तौर पर तदब्बू करोगे तो इन श्ला तो अल्लाह तबारिक वाला हम सबको को ना फिरमल खैर की तोफ़ी दे सदा अल्लाजाजम और सदा का वसूल नबीजूलकरम सच फर अल्लाह ने जो असमत वाले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे दोम याद रखिएगा ताजदार खत में नबूत ज़िंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद असल वरहल वबरक